on the floor of the house, the paper listed against my name, Excel number 5, in today's revised list of business इस सदन के उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे मूल सिद्धांत है जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे कि मोहम्मद को नाम दिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं चर्चा और जिस सदन में और सदन मेरिट पर चलना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला चर्चा चलना चाहिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं सभापति हूँ और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। महुआ मोइत्रा पर महाभारत का ये संसदीय संस्करण, जिसमें प्रचंड शाब्दिक प्रहार है, उसी अंदाज में पलटवार। जिस सदन में महिलाओं को मंडित किया जा रहा है, उन विवादों का विस्तार है जिसकी प्रस्तावना संसद की चौखट पार करने से पहले लिख दी गई थी। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रंग देखिए। महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत। माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। बंगाल में कहा बहते चोरेर मायर बड़ो वाला, मतलब जो चोर होता है उसकी माँ ज्यादा चिल्लाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो हिंदी भाषा बोलते है उसको तो मतलब जी बाहरी बाहरी बोलते है। भरी सभा में वही हुआ जिसका अंदेशा था। संसदीय मर्यादाओं को आधार बनाकर चर्चा शुरू हुई, फिर वोटिंग हुई और आखिर में ममता बनर्जी की सांसद की संसद से असमय विदाई पर मुहर लगा दी गई। कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। सदन ने एक बड़ी सहमति के साथ उनका निष्कासन किया है और ये न्यायोचित है और संसदीय मर्यादाओं को ऊपर रखने के लिए किया गया है। मैं तो लोगों को कहूंगा वेलकम टू इंडिया, ये हमारी नई डेमोक्रेसी है, जहां एक बड़े कारोबारी को चादर से छुपाने के लिए ये कार्यवाही होती है। पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारी कोई सांसद पैसे लेकर किसी उद्योगपति के प्रश्न पूछती है। तो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। पूरा अपना राजनीति के ऊपर में बहुत ही ऐसा अपना गलत धब्बा अपना लगाया है जिससे हमारा परसेप्शन खराब होता है, अपना नेताओं का परसेप्शन खराब होता है, एमपीज का परसेप्शन खराब होता है। जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं ये तब हुआ है जबकि 17वीं लोकसभा पूर्णता की ओर है, चंद महीने बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि महुआ मोइत्रा पर महाभारत के राजनीतिक मायने क्या है, इसका असर पश्चिम बंगाल की सियासत पर कितना पड़ेगा, 24 में महुआ मोइत्रा कैसे मोदी के लिए अमोघ अस्त्र बनेंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि सियासी विवादों के सेंटर में खड़ी महुआ मोइत्रा कौन है। I have brought this trophy with me because this man, this wonderful nation. तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या? हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? तूने को साध ना सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है? सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। This is a question that India needs to answer. तेवर में तलखी, अंदाज में आक्रामकता और संसद में खड़े होकर सख्त शब्दों से मोदी सरकार पर दीदी की तरह दहाड़ने के लिए जानी जाती रही हैं महुआ मोइत्रा। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। कमोबेश हर मुद्दे पर संसद में खड़ी होकर टीएमसी की ओर से बोलने वाली महुआ मोइत्रा 2019 में कृष्णनगर सीट से सांसद बनी थी। इससे पहले 2016 में दीदी की पार्टी से ही विधायक, टीएमसी की महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही। विदेश में बैंकर की नौकरी छोड़कर लौटी महुआ ने सियासत शुरू की थी राहुल गांधी की उंगली पकड़कर, मगर उसे आगे बढ़ाया दीदी का पल्लू थामकर।
अपनी ठसक की वजह से देखते ही देखते महुआ की पहचान एक तेज तर्रार नेता के तौर पर होने लगी। विधानसभा होते हुए जब संसद पहुंची तो मोदीमय लोकसभा में भी महुआ की एक अलग पहचान बनी। सरकार पर सवालों की बौछार करते करते अक्सर विवादों के सेंटर में खड़ी रही। Your lingo, I say to you, and this is not parliament, unparliamentary. Don't take panga. Don't take panga. If not Modi ji, then who? Where the honourable Prime Minister tells the governor, "Chup raho." Where we as elected MPs in this house are routinely told, "Chup raho." कई दफा शाब्दिक मर्यादाओं को लांघने वाली महुआ मोइत्रा अचानक ही अक्टूबर में एक ऐसे विवाद के चक्रव्यूह में फंसी जो उनकी सियासत के लिए फांस बन गई। महुआ जिसे बीजेपी का एजेंडा बता रही हैं, उसकी जड़ में है वो आरोप जो भारतीय राजनीति में कैश फॉर क्वेरी के नाम से स्याह अध्याय लिखा गया है। ये कैश फॉर क्वेरी क्या है उसे समझिए जरा। आर्थिक लाभ के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया ताकि लोकसभा की वेबसाइट पर महुआ की ओर से हीरानंदानी सवाल पोस्ट कर सके, क्योंकि हर एक सांसद को सवाल पूछने की इजाजत होती है। कारोबारी प्रतिद्वंदिता की वजह से अडानी समूह को लेकर 50 से ज्यादा सवाल पूछे और सरकार पर अटैक किया। कैश फॉर क्वेरी के जिस विवाद में महुआ मोइत्रा की सांसदी गई उसमें सिर्फ दो किरदार नहीं है, इसमें 5 किरदार है। एक है महुआ मोइत्रा, दूसरे हैं दर्शन हीरानंदानी, तीसरे हैं निशिकांत दुबे, चौथे हैं जय अनंत देहाद्राई और पांचवा है एक डॉग। महुआ मोइत्रा और जय अनंत के बीच जो नितांत निजी विवाद था उसमें सियासी मोड़ तब आया। 14 अक्टूबर 2023 को जय अनंत ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया। जय अनंत ने सीबीआई में भी महुआ के कैश फॉर क्वेरी को लेकर शिकायत की। उसी दिन जय अनंत ने लोकसभा स्पीकर से भी महुआ की इस मामले में शिकायत की। 26 नवंबर को जय अनंत देहाद्राई और निशिकांत दुबे लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए, जबकि महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए। इस पेशी से जब महुआ मोइत्रा बाहर निकली तो वो उखड़ी हुई थी, एथिक्स कमेटी पर अपमान का इल्जाम लगाया। आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं, सवालों और विवादों के बीच एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट बनाई जिसमें पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। 500 पेज की इस रिपोर्ट में महुआ को लेकर आपत्तिजनक, गैर कानूनी और घृणित अपराध सरीखे शब्द लिखकर उन्हें संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। यही रिपोर्ट संसद में पेश हुई, हंगामा हुआ, बहस हुई। हालांकि संसद के अंदर महुआ सफाई नहीं दे सकी, ठीक उसी तरह जिस तरह 2005 में 10 सांसदों को पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में संसद में सफाई का मौका नहीं मिला था। एक बार फिर 16 बरस बाद संसदीय राजनीति में वो अध्याय लिख दिया गया जिसकी खलनायिका महुआ मोइत्रा है।